सबसे पहले अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं शुरुआत में? मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ जगहों पे मेरी परवरिश हुई और मेरी स्टडीज़ हुई हैं, और काफ़ी टाइम मैंने पंजाब में अपने लाइफ में बिताया है, अबाउट 11-12 साल। सो सबसे ज़्यादा पंजाब में रहा हूँ, बट पूरे हिंदुस्तान में रहा हूँ। जी, स्ट्रगल तो ज़िंदगी भर जारी रहती है इंसान की। इंसान है, ये ज़िंदगी जो है हमारी, इसमें पूरा स्ट्रगल रहता ही है। बड़े से बड़े स्टार भी स्ट्रगल करते हैं और सब लोग स्ट्रगल करते हैं, तो अपना, लेकिन सबका अपना अपना तरीके का स्ट्रगल होता है। मेरा अपने तरीके का स्ट्रगल है। सो इट इज़ वेरी एन्जॉइंग, बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी बॉलीवुड में, और काफ़ी बड़े बड़े गाने मैंने गाए हैं और हमेशा उसको सराहा गया। मेरे फ़ैन्स हैं जो, मैं नहीं कहूँगा करोड़ों फैंस हैं, बट जितने लाखों फैंस हैं मेरे, वो सब मुझे पसंद करते हैं, मेरे गानों को पसंद करते हैं। इस बात की खुशी है मुझे। मैं, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं उड़ीसा में बहुत कम रहा हूँ, बट थ्रू आउट मेरे फादर एयरफोर्स में थे, इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरी स्टडीज़ हुई हैं। तो उसी तरह से मुंबई एक जगह है जहाँ मैं आया ड्रीम्स लेकर, जैसे सब लोग आते हैं, तो उस तरह से आकर अपने ड्रीम को परसू कर रहा हूँ। वैसे गाने मेरे काफ़ी हिट हैं, लेकिन चक दे इंडिया का जो गाना है मेरा, मौला मेरे ले ले मेरी जान, उसने मेरे को बहुत पॉपुलैरिटी दी उस गाने ने। उससे पहले भी मेरे गाने हिट हुए थे, बट उसके क्रेडिट बाकी लोगों को मिल गए थे, उस वजह से लोग इतना लाइमलाइट में जान नहीं पाए। बट मौला के आने के बाद लोगों ने, जब यूट्यूब में या गूगल में सर्च किया, तो उनको पता चला कि वो वाले गाने भी मैंने गाए हुए। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं मेरे। जी जी जी, तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से, मैं तो तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। देखिए, सिंगर्स बहुत रेयरली होता है कि लोग बाई फेस पहचान लेते हैं उसे, जब तक आप म्यूज़िक वीडियोस नहीं करते हैं, या जब तक आप किसी टीवी चैनल पे जज बन के, या फिर किसी और तरीके से पोट्रे नहीं होते हैं, या आप नहीं देखते हैं टीवी पर, तो लोग इतना जल्दी से पहचानते नहीं हैं आपको। बट यस, जब भी मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ, शोज़ करता हूँ, वहाँ पर लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पर बहुत पसंद करते हैं। और लोगों को मैंने अपने गानों पर, मेरा नमस्ते लंदन का जो गाना है, तेरी याद साथ है, उस गाने पर मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। तो लोग फील करते हैं कि उस तरह का जो मेरा सूफियाना जॉनर है जिसमें मैं गाता हूँ, तो उसको लोग पसंद करते हैं और वो रिलेट करते हैं उस चीज़ को। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है तेरी, याद साथ है। ये जो गाना है तेरी याद साथ है, नमस्ते लंदन का, ये बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन ये इसे राहत फतेह अली खान और मैंने दोनों ने मिलकर गाया है, इट्स अ डुएट। बट लोगों को जनरली क्या है कि वो काफ़ी हाई पी हो गया कि सिर्फ उन्होंने गाया है, तो ऐसा नहीं है, इट्स अ डुएट और सबको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए, एज अ प्लेबैक सिंगर आपको हर तरह का गाना गाना पड़ता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे किस तरह के गाने पसंद है, किस तरह के गानों को मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो ऐसा ये गाना एक ऐसा है जिसमें मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ। सूफियाना म्यूज़िक जो है, सोल से जुड़ा हुआ संगीत है, आपकी रूह से जुड़ा हुआ संगीत है, रूहदारी है इसमें, तो मुझे ये बहुत पसंद है, इसलिए मैं गाता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टार्स के लिए गाया है, मैंने मिस्टर बच्चन के लिए भी गाया है फिल्म दीवार में, मैंने रक्त में गाया अभिषेक बच्चन के लिए, और उसके बाद मैंने संजय दत्त जी के लिए गाया। मेरे गॉडफादर संजय दत्त हैं जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में चांस दिया, और संजय दत्त सर की वजह से आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ उनकी वजह से है। तो बिकॉज उन्होंने मुझे सबसे पहले, जब मैं उनको अपना गाना सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया और मुझे लोगों से मिलवाया कि इसको चांस दो, तो बहुत उससे बहुत फ़र्क पड़ा मेरी करियर को, मेरी लाइफ को। पहला गाना जो मैंने मुसाफिर में गाया था, ज़िंदगी में कोई कभी आया ना रब्बा, वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ। फिर रुद्राक्ष में इश्क खुदाई गाया, और उसके बाद फिर
जिंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। ये जो गाना था इससे मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी विशाल शेखर भी, तब शुरू कर रहे थे अपना करियर, तो विशाल शेखर के साथ ये गाना किया था उस टाइम पे, और ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, संजय गुप्ता जी की फिल्म थी मुसाफिर, तो यहाँ से मुझे ब्रेक मिला। देखिए मैं एक्टर तो हूँ नहीं कि किसी के हाँ सिंगिंग में हम फॉलो कर सकते हैं, मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे गुरु हैं जिनको फॉलो करता हूँ, उनकी गायकी को बहुत सुनता हूँ, और अभी तक मैंने एकलव्य की तरह उनसे उनके गाने सुन सुनकर मैंने उस चीज़ को अपने में अंदर ढालने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा मेरी गायकी पर।